हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अपडेट जो क्वेरी है उसको कैसे यूज करी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस ओपन करूंगा और एक्सेस का 2007 ओपन करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की डिमांड यही रहती है कि सर 2007 पे बताइए, क्योंकि हमारे पास 2007 ही है। तो अभी हम 2007 का ही यूज करने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है ऑलरेडी, जिसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। दो ही फील्ड दिखाई दे रहे हैं, एक है प्रोडक्ट आईडी और दूसरा है प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं किसी एक चीज को अपडेट करना, जैसे मान लीजिए आप आईडी को ही अपडेट करना चाहते हो या नेम ऑफ प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में अपडेट कमांड का यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे आइए दिखाता हूं। सबसे पहले क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसको क्लोज कर देंगे और यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, इस तरीके से लिखेंगे अपडेट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपडेट और अपडेट लिखने के बाद क्या करना है आपको, टेबल का नाम देना। तो हमारे टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो ये दे दिया प्रोडक्ट और फिर आगे है प्रोडक्ट टेबल दिया है हमने, तो यहाँ प्रोडक्ट टेबल कर दिया। ठीक है, अब हम इस प्रोडक्ट टेबल को ही अपडेट करेंगे और यहाँ पे सेट का यूज करेंगे, लिखा सेट यहाँ पर। और क्या सेट करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 1 जिसका कि प्रोडक्ट का नेम है कीबोर्ड, इसी को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या सेट करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट सेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही, तो ये लिख दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे मैंने भी लिख दिया है। ठीक है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट कर दिया इज इक्वल टू डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में जो भी यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन, नेम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू पेन कर दिया, और पेन करने के बाद फिर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे दे देंगे वेयर, WHERE वेयर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्रोडक्ट आईडी है, जैसे लिखी गई है बिल्कुल वैसे ही लिखनी है हमें भी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, 1 है, तो वेयर PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस इतना देकर के टर्मिनेशन दे दीजिए और काम हो जाएगा। इसको क्लोज जरूर कर लीजिएगा, ये जो टेबल ओपन है उसको क्लोज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लोज करके यहाँ से रन करवा दीजिएगा। तो कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रो, आप एक रो को अपडेट करने जा रहे हैं, तो क्या कर दिया जाए। तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे यस किया हमने, और जैसे ही यस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 1 जो है पेन हो जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन, अगर सवाल पूछ लिया जाता है प्रैक्टिकल में, तो आप जरूर बता दीजिएगा और फुल मार्क्स ले लीजिएगा। ओके, और मान लीजिए इसके जगह आपको और भी चीजें इंसर्ट करानी पड़े विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, तो कैसे कराएंगे, वो तो और भी आसान है। मैं इसको पहले क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरी क्वेरी लिखेंगे, तो क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इसको यहाँ से ऑफ करेंगे। अब एक दूसरी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, क्वेरी देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड चलाएंगे। तो इंसर्ट इनटू, सॉरी स्टेटमेंट है ये, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट चलाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल के अंदर ही इंसर्ट कराना है। तो ये लिख दिया प्रोडक्ट टेबल, इस तरीके से ये लिख दिया है प्रोडक्ट टेबल, आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। और फिर यहाँ पर कौन कौन से फील्ड हैं, उन फील्ड के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा। ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे गड़बड़ी हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट आईडी फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो वैसे ही हमें भी दे देना है। तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, फिर कॉमा देके नेम ऑफ प्रोडक्ट NAME अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर PRODUCT, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों चीजें हो गई, अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस करना है एंटर। ठीक है, आपको कोई भी सेमीकोलन नहीं देना है, एंटर सीधा प्रेस कर देना है। यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, तो ये वैल्यूज कर देंगे और इसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो एक ही वैल्यू डालनी है फिलहाल हमें, चलिए एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये अलग एक मैटर है। तो प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं 33। ठीक है, और कॉमा देते हैं, चूंकि नंबर लिखा जाता है उसमें कोई भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं देते हैं हम, ये याद रखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में कर देते हैं लाइक चिली पाउडर, चिली PODER, तो जो भी यहाँ देंगे ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, अंदर इसे लिखेंगे या डबल कोट्स भी लगा सकते हैं आप, या डबल कॉमा या सिंगल कॉमा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये गए, अब कह रहा है कि आप एक रिकॉर्ड को अपेंड करने जा रहे हैं, तो यस कर दीजिए। अब इस टेबल को देखिए जरा, चिली पाउडर भी इसमें इंसर्ट हो गया है, जिस आईडी के साथ हमने दिया था वैसे ये इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए कुछ अलग इंसर्ट कराना हो,
चिली पाउडर हटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हटा देंगे तो पुराना वाला हट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ मैं कर देता हूँ 23 और यहाँ किसी अन्य प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस बार दे देता हूँ क्या, लाइक रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड अंडरस्कोर ऑयल कर देते हैं, OIL, ठीक है। तो ये दे दिया रिफाइंड ऑयल। अब ये रिफाइंड ऑयल जो है ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे इसको चलाएंगे ना, डिजाइन पे जाएंगे पहले तो इसको ऑफ करेंगे टेबल को, और यहाँ से इसको अब चला देंगे, ठीक है। तो यहाँ डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से रन करेंगे तो देखिए एक और रो अपेंड हो रहा है इसमें, और यहाँ पे जब जाएंगे तो देखेंगे ये रिफाइंड ऑयल भी इसके अंदर अपेंड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का क्वेरी है, आसानी के साथ लिखी जा सकती है और एग्जामिनर को तो इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा, इससे बेटर तरीका है ही नहीं। सिस्टम अगर दे दिया जाए आपको तो उधेड़ के रख दीजिएगा पूरा, एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है, और पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और यही नहीं, आपको हेल्प भी होगी काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप 12th से बिलोंग करते हैं, 12th पढ़ते हैं तो उसमें भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है।